हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल खुशी कुकिंग स्किल्स में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मसालेदार करी। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम लेंगे उबले हुए आलू जिसको मैंने स्मॉल पीसेस में कट किया, टोमेटो प्यूरी, टोमेटोज को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर दिया है, ग्रीन चिलीज, ग्रीन ओनियंस, गार्लिक लिया है और उसे मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया है। जो हमने ग्रीन ओनियंस ली थी उसका मैंने जो व्हाइट पोर्शन है उसे मैंने काट लिया है। इसको स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल गरम किया है, उसके बाद मैंने राई डाली है। जब राइस फ्लटर होने लगे उसके बाद आप उसमें डालिए जीरा, जीरा और राई जब स्प्लटर होने लगे तो उसके बाद आप इसमें डालिए गार्लिक, गार्लिक को थोड़ा सोटे होने दीजिए, उसके बाद डालिए ग्रीन चिली, उसके बाद हम डालेंगे व्हाइट ओनियन, जो ग्रीन ओनियंस का व्हाइट पोर्शन है वो, उसके बाद हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, फिर उसे हम अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टर करेंगे यानी कि मिक्स करेंगे। तरह से मिक्स हो जाएंगे और ऑयल हमें दिखेगा कि ओनियन में से ऑयल चूक रहा है, तब हम उसके अंदर डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और फिर से सारे मसाले को अच्छी तरह से स्टर करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम टोमेटो प्यूरी, जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी वो डालिए और इसे अच्छी तरह से हिलाइए, अच्छी तरह से इसे स्टर कीजिए। आप अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स कीजिए, आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट हो रहा है आपकी टमाटर की ग्रेवी में से। तब आप उसके अंदर सॉल्ट डालिए टेस्ट के हिसाब से, मैंने आलू में नमक डाला था इसलिए मैंने उस हिसाब से इसमें नमक ऐड किया है। फिर जो ग्रीन ओनियन है आप उसे डालिए, अगर आपके पास ग्रीन कलर की गार्लिक है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, और फिर उसे अच्छी तरह से स्टर कीजिए। गाइस, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं मिक्सचर में से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, हमारी जो करी है, जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से, ग्रेवी अच्छी तरह से फॉर्म हो गई है, ऑयल जो है वो इसमें से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इस मोड पे आप इसमें उबले हुए आलू डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए, सारी ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। हो जाने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर ऑयल आ गया है, सब्जी में से ऑयल छूटना चालू हो गया है। उसके बाद आप कोरिएंडर पाउडर डालिए, गरम मसाला पाउडर डालिए, फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बन चुकी है, अच्छी तरह से फॉर्म हो चुकी है। उसके बाद आप इसके अंदर पानी डालिए, ग्रेवी को थिक करने के लिए और अच्छे से जो मसालेदार करी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए पानी डालना ज़रूरी है थोड़ा। फिर आप एक लिड की मदद से, ढक्कन की मदद से इसे ढक दीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तब आप देखेंगे इसे कैसे अच्छी तरह से ऑयल पूरा ग्रेवी में से उभर के आया है। और लास्ट में आप थोड़ी सी शुगर डालिए, थोड़ी सी, बहुत नहीं, ताकि जो स्वीट एंड सॉर वाला जो टेस्ट है वो हमारी सब्ज़ी में आ जाए। और हमारी सब्ज़ी पक्के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं हमारी आलू मसालेदार करी कितनी अच्छे से रेडी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन